यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे तो 2 प्लस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 1 इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 0, ये दे रखा है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है। कहा गया कि जब x इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो y ऑफ 0 इक्वल टू 1 है। तो जब x इक्वल टू पाई बाई 2 होगा तो y ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू मुझे बतानी है, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इस मेथड में जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें ये वेरिएबल सेपरेबल का मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, राइट। इसमें y वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे और x वाले टर्म को एक तरफ रख देंगे। तो यहां पे इस इक्वेशन को सबसे पहले मैं लिख सकता हूं 2 प्लस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ y प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, तो माइनस ऑफ y प्लस 1 इंटू कॉस एक्स। अब जैसा कि अभी हमने बात करी कि y वाले टर्म को एक तरफ लिखना है, तो डी वाई डिवाइड बाई y प्लस 1 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो यही वाली बात हो गई, y वाले टर्म को इकट्ठा कर दिया, x वाले टर्म को इकट्ठा कर दिया, राइट। अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ताकि हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाल सकें y ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू, राइट। इसको हालांकि कई लोग यह कर सकते हैं कि भाई कि डेफिनेट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, कई लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो लेंदी पड़ जाएगा ये प्रॉब्लम, डेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्रू काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा ये प्रॉब्लम। तो जब x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो x इक्वल टू 0 पे तो y की वैल्यू 1 हो गई। जब x इक्वल टू पाई बाई 2 है तब y की वैल्यू आपको निकालनी है, राइट। तो अब हमारा पर्पस होगा इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालना। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे मेथड वाइज सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स डिवाइडेड 2 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब 2 प्लस साइन एक्स को मैं टी ले लेता हूं, जब मैं टी लूंगा तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया, क्योंकि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे क्या डालेंगे, डी टी। 2 प्लस साइन एक्स की जगह पे टी डाल दिया, तो इंटीग्रेशन हो गया 1 बाई टी का, राइट। लेकिन साथ में लोअर लिमिट अपर लिमिट में चेंज करना है, तो जब x इक्वल टू 0 है तो साइन 0 विल बी इक्वल टू 0, हेंस t इक्वल टू 2, तो यहां t इक्वल टू 2 हो गया। जब x इक्वल टू 0 है तो t की वैल्यू 2 हो गई। जब x इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया, जब x इक्वल टू पाई बाई 2 जो अपर लिमिट है, तो साइन पाई बाई 2 विल बी इक्वल टू 1, हेंस t विल बी इक्वल टू 3। तो 2 से 3 तक इंटीग्रेशन होगा, किसका, 1 बाई t का। अब 1 बाई t का इंटीग्रेशन log t, तो log t को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं 2 से 3 तक। तो log 3 माइनस log 2 आफ्टर प्लेसिंग द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, log 3 माइनस log 2 विल बी रिटर्न इन log 3 बाई 2। तो इस तरीके से ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई log 3 बाई 2 आ गई, तो मैंने यहाँ पे log 3 बाई 2 लिख दिया। आगे यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ भी माइनस साइन आ जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे 1 अपॉन y प्लस 1 का इंटीग्रेशन log y प्लस 1, बेसिक बात है, क्योंकि 1 अपॉन ax प्लस b का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाई a प्लस सम कॉन्स्टेंट। चूंकि यहाँ पे y का कोफिशियंट 1 है, तो इसलिए यहाँ पे log ऑफ y प्लस 1 डिवाइड बाई 1 आ जाएगा। तो 1 अपॉन y प्लस 1 का इंटीग्रेशन log ऑफ y प्लस 1, राइट। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, 1 से लेके y तक। तो पहले आप अपर लिमिट y डालेंगे, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट 1 डालेंगे। तो आफ्टर प्लेसिंग द लिमिट इट विल कम आउट log ऑफ y प्लस 1 माइनस log 2, इट विल बी इक्वल टू log 2 बाई 3, क्योंकि माइनस log 3 बाई 2 अकॉर्डिंग टू द लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी इट विल बी रिटन एज log 2 बाई 3। बहुत ही बेसिक बात है जो समझ सकते हैं आप। अब इसको मैं लिख सकता हूं log y प्लस 1 माइनस log 2 को log y प्लस 1 डिवाइड बाई 2, बेसिक प्रॉपर्टी वंस अगेन लॉगरिथमिक की, तो ये लिख दिया। अब log y प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू log 2 बाई 3, इसका मतलब y प्लस 1 बाई 2 विल बी इक्वल टू 2 बाई 3, राइट। इससे y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 बाई 3 के। तो इस तरह से द करेक्ट आंसर विल बी सिंपली 2। तो ये एक मेथडोलॉजी था जिससे कि हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि नेक्स्ट मेथड जिससे कि इस प्रॉब्लम को करेंगे। देखिए अब हम लोग यहां पे नेक्स्ट मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं, और ये बड़ा यूनिक सा मेथड है। देखिए यहां पे 2 प्लस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 1 इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 0 है। अब ध्यान से देखेंगे ना, तो ये बेसिकली डिफ्रेंशिएशन के प्रोडक्ट रूल को फॉलो कर रहा है। यहां पे आप y प्लस 1 इंटू 2 प्लस साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका यही आएगा। मतलब हो गया कि देखिए इसको मैं लिख सकता हूं d बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस साइन एक्स इंटू वाई प्लस 1। अब देखिए 2 प्लस साइन एक्स को मैंने बाहर कर दिया, फिर y प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इट विल गिव dy बाई डी एक्स, तो ये आ गया। प्लस अब y प्लस 1 को बाहर करेंगे, 2 प्लस साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इट विल गिव cos x, राइट। तो ये अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब जब आपको पता है कि इसकी डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल है, तो डेफिनेटली ये कांस्टेंट फंक्शन होगा, सम कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल होगा। तो 2 प्लस साइन एक्स इंटू वाई प्लस 1 विल कम आउट सी। अब हमारे को किसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे सी की वैल्यू निकालेंगे तो
कोई भी वाई की वैल्यू किसी भी एक्स पे निकाली जा सकती है। अब सी की वैल्यू कैसे निकलेगी वो भी बहुत आसान तरीका है। देखिए एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई की वैल्यू वन दे रखी है, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई की वैल्यू वन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स इक्वल टू जीरो डाल दिया, साइन जीरो विल गिव जीरो, वाई की वैल्यू वन डाला तो वन प्लस वन इज टू, तो टू इंटू टू इज फोर, हेंस सी विल कम आउट फोर, दैट मीन्स टू प्लस साइन एक्स इंटू वाई प्लस वन विल कम आउट फोर। बात हो गई। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी डालनी है, पाई बाई टू, तो x वैल्यू पाई बाई टू डालिए, तो साइन पाई बाई टू विल गिव वन, तो टू प्लस वन विल गिव थ्री, वाई प्लस वन विल कम आउट फोर बाई थ्री, हेंस y विल कम आउट वन बाई थ्री। तो ये भी एक काफी अच्छा और यूनिक मेथड है। हालांकि इस प्रॉब्लम को एक और मेथड से हम लोग कर सकते हैं, देखिए वो क्या मेथड है। इसको हम लोग कर सकते हैं dy वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करके, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, राइट। तो वो भी मैं आपको मेथड अभी बता रहा हूं। अब हम लोग यहाँ पे इस प्रॉब्लम का थर्ड मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं। हालांकि ये मेथड लेंदी है और सेकंड मेथड जो आपको बताएं वो यूनिक मेथड है, वो काफी जल्दी से करने वाला मेथड है, राइट। अब पहला वाला मेथड उससे रिलेटिवली थोड़ा सा आपका ज्यादा टाइम लेगा और तीसरा मेथड रिलेटिवली सबसे ज्यादा टाइम लेगा। लेकिन मैं मेथडोलॉजी इसलिए बता रहा हूँ कि सोचने के कई तरीके हो सकते हैं, तो इसलिए मैं सारे मेथड को डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं किस तरीके से, तो 2 प्लस साइन एक्स से दोनों साइड में डिवाइड कर देता हूं। तो जब इसको डिवाइड करेंगे और इसको ट्राई करेंगे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लिखने का, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है, तो ये आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस y cos x डिवाइडेड 2 प्लस साइन x प्लस cos x बाई 2 प्लस साइन x। कैसे, y प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ y इंटू cos x प्लस cos x एंड आफ्टर डिवाइडिंग 2 प्लस साइन x बोथ साइड इट विल कम आउट दिस वन। अब इसको आप इस साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा dy वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स इंटू वाई विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस टू प्लस साइन एक्स। अब देखिए dy वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e रेस्ट टू द पावर पी डी एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए सबसे पहले e रेस्ट टू पी डी एक्स cos x by 2 plus sin x dx का इंटीग्रेशन, मतलब cos x by 2 plus sin x का इंटीग्रेशन। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन से निकलेगी। इसकी जो है 2 plus sin x equal to t ले लेंगे, cos x dx कितना हो जाएगा dt, तो it will come out dt by t, hence the integration of this one will come out log of 2 plus sin x plus some constant आएगा, right। तो यहाँ पे मैं constant लिखा नहीं हूँ, लिख देता हूँ मैं, plus some constant आएगा यदि हम लोग लिखते हैं तो plus c। अब इसकी जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गई, तो इसकी ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया ये हो गया e रेस्ट टू द पावर log ऑफ 2 प्लस साइन एक्स। अब आप बताइए a रेस्ट टू द पावर x होता है e रेस्ट टू द पावर x log, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं इसको लिख सकता हूं 2 प्लस साइन एक्स, हेंस द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल कम आउट 2 प्लस साइन एक्स। तो यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस्ट टू द पी डी एक्स का आ गया आपका 2 प्लस साइन एक्स, राइट। तो 2 प्लस साइन एक्स को यहां पे लिख दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब आप पता ही है कि आप इसको कैसे करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट सॉल्यूशन याद होगा आपको, y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हिच वन, q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर into dx प्लस सम कांस्टेंट, राइट। अब इसमें आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब ये वाला प्लेस कर देंगे 2 प्लस साइन एक्स, तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2 प्लस साइन एक्स, ये 2 प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या रह जाएगा आपका इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स डी एक्स प्लस सम कांस्टेंट, और इसकी जगह पे आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस साइन एक्स। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितने के इक्वल होता है, साइन एक्स के, हेंस द होल थिंग विल कम आउट वाई इंटू 2 प्लस साइन एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस सी। ये हो गया इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, राइट। अब सी की वैल्यू कैसे आएगी, तो सी की वैल्यू आएगी तो एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई की वैल्यू वन है, तो इसको जब प्लेस करेंगे कि एक्स इक्वल टू जीरो डाला ये जीरो हो गया, एक्स इक्वल टू जीरो डाला ये जीरो हो गया, वाई वन है तो सी की वैल्यू टू के इक्वल आ गई, तो इसे टू सी इक्वल टू टू आ गया। तो इसका मतलब सॉल्यूशन फाइनली क्या बना, वाई इंटू टू प्लस साइन एक्स विल बी इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस टू। अब आप क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू प्लेस कर दीजिए, उससे वाई की वैल्यू आ जाएगी, दैट वाई विल कम आउट आपका वही 1 बाई थ्री आएगा। हालांकि ये मेथड लेंदी मेथड है, बट मैंने आपके सामने तीन मेथड के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई और मेथड इसका सूझ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप उससे भी कर सकते हैं, बट तीन मेथड में से जो मैं सेकंड मेथड आपको बताया हूं वो काफी एक यूनिक मेथड है, वो यूनिक एंड आप समझ लें कि फास्ट मेथड है। फिर इसके बाद सेकंड मेथड है एंड देन आपका थर्ड मेथड है, राइट। तो ये चीज हो गई, ये बात हो गई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा मेथड जो आपका था वो सेकंड मेथड था, राइट। तो हम लोग मिलते हैं आगे कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं।